पिछले काफी दिनों से मैक्सिमम अपडेट्स अफगानिस्तान को लेकर निकल कर आ रही थी, जिनके बीच भारत और सऊदी अरब को लेकर एक बहुत ही बड़ी मेजर डेवलपमेंट स्किप हो गई थी। सऊदी अरब का नाम सुनते ही वैसे आपके मन में ऑयल प्राइसेस और भारत सरकार और सऊदी अरब के बीच मनमुटाव याद आता होगा, क्योंकि पिछले काफी समय से भारतीय सरकार सऊदी अरब से आग्रह कर रही थी कि वो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाकर आर्टिफिशियल तरीके से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ाना बंद करे। हालांकि अलग डिबेट का विषय है कि क्या वाकई में बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के पीछे क्या सऊदी अरब और बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों का ही हाथ है, या फिर जो मोदी सरकार और बाकी भारत के राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस बढ़ाए हैं उनका हाथ है। लेकिन मनमुटाव के बावजूद दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक चैनल्स पूरी तरह एक्टिव हैं और इतनी गर्मजोशी से काम हो रहा है कि हाल ही में दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट हो गई है। डिप्लोमेटिक संबंध तो भारत और सऊदी अरब के बीच कई सालों से लगातार मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि भारत कई सालों से कई बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल हर साल सऊदी अरब से खरीदता है। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि भारत के आर्मी चीफ MM नरवणे साहब पहली बार पिछले साल दिसंबर के महीने में सऊदी अरब और UAE के 6 दिन के दौरे पर गए थे, जिसको भारत और सऊदी अरब के बीच सैन्य संबंधों की शुरुआत के रूप में देखा गया था। पाकिस्तान को तो उस समय चिंता भी सताने लग गई थी कि कहीं सऊदी अरब अपने ऑयल रिजर्व्स या मक्का मदीना की सिक्योरिटी भारतीय सेना को ना दे दे। पाकिस्तान को तो खैर उस समय एक बहुत ही बड़ा झटका तो लगा था, लेकिन अब उसको उससे भी बड़ा झटका ये जानकर लगेगा कि भारत और सऊदी अरब ने अपने सैन्य संबंध मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठा दिया है, जो कि स्ट्रेटेजिक रूप से भारत और सऊदी अरब को और भी ज्यादा क्लोज ला लेगा। दरअसल खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत और सऊदी अरब के बीच अब एक नेवल युद्धाभ्यास की भी शुरुआत हो गई है, जिसके बाद अब सऊदी अरब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके साथ भारतीय नेवी नेवल युद्धाभ्यास करती है। स्क्रीन पर आप रेफरेंस के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक भारतीय नेवी और सऊदी अरब की नेवी ने इतिहास में पहली बार नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। जो नेवल एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच में हुई उसको नाम दिया गया है अल मोहेद अल हिंद, और ये इस एक्सरसाइज का पहला एडिशन यानी पहला संस्करण था, जो कि अब आगे अगले सालों के लिए भी चलता रहेगा। वैसे नाम सुनकर आपको तो अचंभा हो रहा होगा, सऊदी अरब जिसके पास दिमाग है उसने भारत के साथ अल मोहेद अल हिंद नाम की नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत की है, जबकि बर्बादी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान आज भी गजवाए हिंद के सपने देख रहा है। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गजवाए हिंद करने का तो खैर किसी के बाप में दम नहीं है, लेकिन आपको ये बात भी बतानी जरूरी है कि ये एक्सरसाइज इतने बड़े लेवल की एक्सरसाइज नहीं थी जो नॉर्मली हम फ्रांस अमेरिका जापान या बाकी के देशों के साथ करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब की नेवी भी कोई खास बड़ी और प्रोमिनेंट नेवी नहीं है, क्योंकि उनकी नेवी के पास बस 6-7 फ्रिगेट्स और 3-4 कॉर्वेट्स हैं। भारत ने इस एक्सरसाइज के लिए अपना मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोची भेजा था, जिसके साथ 2 सी किंग 42B हेलीकॉप्टर्स भी थे। सऊदी अरब के साथ चल रही नेवल एक्सरसाइज से पहले INS कोची पिछले हफ्ते यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नेवी के साथ जायद तलवार नाम की नेवल एक्सरसाइज में भी शामिल हुआ था। वैसे सऊदी अरब के साथ अल मोहेद अल हिंद नाम की ये नेवल एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच सैन्य कॉपरेशन को और भी ज्यादा बढ़ा देगी, जो पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। लेकिन आप नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या भारत ने सऊदी अरब के साथ इस नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत करके सही कदम उठाया है, हाँ या फिर नहीं।